उज्जैन जिले के घटिया तहसील में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष तेजा दशमी के पर्व में जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का मंदिर पर आना जाना होता है, वहीं इस बार प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर तेजाजी के मंदिर समितियों ने भी अपनी सहमति जताई और वहीं तेजाजी के निशान के रूप में छतरियों को न निकालने पर हामी भरी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन देखने को मिला। साथ ही इस बार स्वल्प आहार व और खिलौने जैसी रेड़ियां भी नजर नहीं आई। अधिकारियों की क्षेत्र पर पैनी नजर थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो शासन की गाइडलाइन के अनुसार प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की मेहनत रंग लाई। पर्व वर्षों से हजारों की तादाद में मनता आ रहा है और यहाँ दुकानें भी लगती थी और काफ़ी मात्रा में मतलब धार्मिक लोग इकट्ठे होते थे, लेकिन इस बार बहुत ही कम, मिनिमम मतलब 5-7 आदमी मिलकर कर रहे हैं कार्यक्रम और पूरा डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, दूरी का। इसके बाद में पूजन भी क्रम से कर रहे हैं, एक एक मतलब सामूहिक तौर पे नहीं कर रहे हैं। तो इस बार फिर निशान का जो चढ़ावा था, फिर उसका क्या हुआ है? निशान तो लोग समय पे चढ़ाएंगे, लेकिन उसमें भी पूरा सबको बोल दिया है कि डिस्टेंस का पूरा पालन करें और एक एक आके चढ़ा जाए, भीड़ इकट्ठी न करें। हर साल हजारों की संख्या में होती है और पुलिस फोर्स भी लगता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं। हमने टेंट भी नहीं लगाए और ना ही किसी प्रकार का आयोजन है। सिर्फ ये परंपरा नहीं टूटे, इसके लिए 5-7 आदमी मिलकर कर रहे हैं सूक्ष्म में और डिस्टेंस का पूरा पालन कर रहे हैं। तेजादशमी में यहाँ पर गुराड़िया, गुर्जर, काबी गुराड़िया एवं अन्य स्थानों पर काफ़ी बृहद स्तर पर मनाई जाती है। इसके लिए काफ़ी पूर्व से तैयारियाँ चल रही थी और हम लोग उन स्थानों पर जा करके व्यवस्थाएं देख आए थे। आयोजकों को बुला करके सभी से मीटिंग ली जा चुकी थी और बता दिया गया था कि जैसा अभी जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, धारा 144 लागू है, ऐसे में मंदिर में भीड़ किसी भी स्थिति में न की जाए। और अभी हम लोग चेक करके आए हैं तो वहाँ पर वैसे ही व्यवस्थाएं हैं जैसे कि निर्देशित किया गया है। अच्छा, इसमें जो चल समारोह का था निशान का, उसमें निशान को लाना ही प्रतिबंधित किया गया था और किसी तरह का कोई भी चल समारोह चलने हेतु पूर्व से निर्देश दिए गए थे कि किसी प्रकार का कोई चल समारोह नहीं आयोजित किया जाएगा।